हेलो एवरीवन दिस इज़ आफरीन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं जनरल नॉलेज के ऊपर जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ और आपको मैं बता दूँ बिल्कुल ही गारंटीड स्कोर लेक्चर है ये और आप अगर मेरा लेक्चर लोगे तो आपका जो स्कोरिंग जो है एकदम गारंटीड जो है एकदम ये जो क्वेश्चन आपके लिए आने वाले कमिंग टेन क्वेश्चन आप बिल्कुल ही अच्छे से स्कोर कर करने वाले हो बिल्कुल ही कमिंग क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में जैसे कि आप सभी जाते जानते हो कि जनरल नॉलेज जो है आपके बी एड सी टी एग्ज़ाम का जो होती है इम्पोर्टेंट सेक्शन है और जनरल नॉलेज मिनस वर्ड की जो भी चीज़ें हो रही है आजकल हैपनिंग है वो सब आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज आपके बी एच सी टी एग्जाम में जनरल नॉलेज के ऊपर फोर्टी मार्क्स आते हैं और आपके ये स्कोरिंग मार्क्स है फोर्टी मार्क्स आप ईजिली स्कोर कर सकते हो और नाओ डेज डे टू डे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या क्या नॉलेज हमको होनी चाहिए वो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है और जनरल नॉलेज जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं इसके ऊपर और आपको मैं बता दूं आपको स्कोर करना ही बहुत इजी है तो आज के इस वीडियो में हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आप सभी जानते हैं आपके एग्ज़ाम जो है ट्वेंटी फर्स्ट को है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक कम्प्लीट कोर्स लेके आई हूँ अब सभी को बता दूं कि आपका जो कोर्स मैं जो लेके आई क्योंकि टाइम बहुत कम है आपको स्कोरिंग बहुत ज़्यादा करना है तो मैंने आपके लिए जो है पूरे सिलेबस के ऊपर जो है वीडियो लेक्चर्स बनाया है और जो नोट्स है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इजी लैंग्वेज में इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट इसलिए हमने रखे कि आपको पता चले कि इतनी प्रैक्टिस हो रही है और इतनी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको और हमने आपको 2000 प्लस प्रैक्टिस एम के पी भी दिए हैं सो स्टूडेंट्स एक बिल्कुल ही कंप्लीट कोर्स है कम टाइम में ज़्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए और आपको दिए गए नंबर पर ये जो नंबर दिया गया व्हाट्सअप नंबर परचेस करने के लिए आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा सो so जरूरी ज़रूर इस कोर्स को आप परचेस कीजिएगा क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना बहुत ही बहुत ही इजी होगा सो लेट्स बिगिन टू डेट्स वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यू आर विल देखिए हमको क्वेश्चन में पूछा है फुल फॉर्म क्या है यू आर एल का लेकिन आप अच्छे से ध्यान में रखिए ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ अ एक्रोनिम फॉर यू आर आर एल ठीक है एक्रोनिम फॉर यू आर एल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है एक्रोनिन एंड फुल फॉर्म इज़ अ सेम थिंग और ये भी याद रखिए कि आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के पेपर में आपको जो है तीन से चार मार्क्स जो है एक्रोनिम या फुल फॉर्म पे आ सकते हैं और आने के चांसेस हंड्रेड परसेंट है सो so, ये क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा सो फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स ऑफ लोकेटर सी एक चीज ये जो एक चीज़ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है रिसोर्स ठीक है रिसोर्स मतलब ये ये बताता है कि यू आर एल ठीक है ये बता रहा है ठीक है ये टर्म बता रहा है यू आर एल इंटरनेट का रिसोर्स है ओके यानी कि एड्रेस बार होता है ठीक है एक वेबसाइट होती है लाइक याहू डॉट कॉम है गूगल डॉट कॉम है जी मेल डॉट कॉम है ठीक है जैसे कि फेसबुक डॉट कॉम है तो ये सब क्या है यू आर एल होता है लेकिन हर जगह जाने के लिए हमको एक एड्रेस की ज़रूरत होती है ठीक है एड्रेस क्या होता है ये एक रिसोर्स होता है कि कहीं जाना है कि ये वेब पेज पे हमको जाना है ओके इफ़ यू वांट टू गो सम वन प्लेस वी वांट सम एड्रेस ठीक है हमको किसी के घर जाना है हमको जाके हमको पहले उसको एड्रेस देखना पड़ेगा भाई कौन से स्ट्रीट पर रहता है कौन से बिल्डिंग में रहता है कौन से एरिया में रहता है उसका तो अगर आग बहुत दूर से आए देखना पड़ेगा पिन कोड भी क्या है ये स्टेट में ही है कि ये जगह ठीक है तो ये सारी चीज़ जो है थ्रू यू आर एल हम सारी चीज़ इसको जानते हैं ठीक है सो इसी लिए मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी रखा है यहाँ पर सो so आप देख रहे हैं बेसिक यू स्ट्रक्चर ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एच टी डी पीस का एक वेबसाइट है ओके सो ये चीज़ जो आपको वेबसाइट आप डालते हो एड्रेस बार पर सो so इसी को हम कहते हैं यू ठीक है URL, तो यू क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वॉज रिटन बाय क्वेश्चन में पूछा है ग्लिमसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये जो बुक है वो किसने लिखी है सो so, आपको मैं बता दूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बुक जो है बहुत ही चर्चा में थी और बहुत से लोग इस बुक के बारे में जानते हैं और आपके लिए मैंने ये बुक का जो है फ्रंट कवर जो आपको मैंने बता दिया है कि देखिए ये बुक का जो फ्रंट कवर ऐसे दिखता है और ये बुक जो है ऐसे कलर में है ये बुक जो है ऐसे दिखती है सो so, इसका करेक्ट आंसर है ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो लिखी है वो नेहरू जी ने लिखी है नेहरू जी जो है सभी को है कि तीन साल जेल में थे सो so, इन्होंने 1934 में ये बुक लिखी थी और इस बुक में जो है जितने भी वर्ल्ड की जो प्रोग्रेस है पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में इन्होंने बताया है इस बुक के अंदर ठीक है और इस बुक के अंदर उन्होंने कितने लेटर्स लिखे हैं इस बुक के अंदर जो है वन नाइन्टी फोर लेटर्स लिखे हैं इन्होंने और ये जो बुक है ये बहुत ही इमोशन से भरी पड़ी बुक है ये क्योंकि ये बुक उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखी थी और इस बुक में जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो आपको ओ, मतलब जो है टची वर्ड्स मिलेंगे और ये बुक जो है एंटायर वर्ल्ड की प्रोग्रेस के ऊपर है और पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है इसके अंदर जो है नेहरू जी जो है तीन साल जेल में रहते हुए उन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक के अंदर जो आपको जो भी सारी चीज़ें नॉलेज मिलेंगी वर्ल्ड की हिस्ट्री से रिलेटेड और प्लस वर्ल्ड की प्रोग्रेस ये इस बुक में आपको मिलेगा ठीक so, है सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने अपनी ये बुक जो है अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखी ये बुक उन्होंने तीन साल में कम्प्लीट की नाइनटीन थर्टी फोर में कम्प्लीट हो चुकी है बुक ओके ठीक है हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एट ये जो हमारा वर्ल्ड का जो है कि जो वाइल्ड लाइफ है ठीक है जिससे कि जानवर की लाइफ है ठीक है तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी थर्ड मार्च क्यों थर्ड मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम किसने कहा ये ये डे रखने के लिए तो आप कैसे सोच रहे होगे ना क्योंकि क्योंकि ये जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं ये इस दिन जो है इसको सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑफ असेंबली ने रखा है कि इस डे को थर्ड मार्च को सेलिब्रेट किया जाए जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे प्लानट को बहुत ही ओ, जैसे कि हमारा प्लानट है हमारे प्लान को बहुत ही कम तरीके से बचा सक सकते हैं ठीक है जैसे आप सभी को पता है कि वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ही कम होते जा रही है जानवरों की लाइक जैसे कि आप सभी जानते कि प्लांट्स जो है हमारे ज़मीन पर बहुत कम होते जा रहे हैं ठीक है थीके? जो एनिमल्स की कमी उस वजह से ये आती है वाइल्ड लाइफ में ओके सो so, ये सब चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और कैसे हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें कैसे हम एनिमल्स को बचाएं और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि पानी में जो स्पीशीज़ रहती है वो भी कम हो रही है हमारी तो प्लैनेट में जो species, जो प्लैनेट में जो स्पीशीज़ रह रही है उनको बचाने के लिए भी हमको ये चीज़ को करना है और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हम अगर प्लांट ग्रो करेंगे ओके प्लांट ग्रो करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी क्या है अपने आप बढ़ेगी ठीक है ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए जो है हम एक्चुअली जो है इस डे को हम मनाते हैं ठीक है इस डे को हम इसीलिए भी मनाते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी वाइल्ड लाइफ की जो चीज़ें हैं जानवर है प्लांट्स है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी इतनी आबादी बढ़ रही है तो हर कोई चाह रहा है कि मतलब घर बनाए और ये सारी चीज़ें करें तो ये सारी चीज़ें की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि प्लान्स कम हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ्स कम हो रही है और पानी की स्पीशीज़ भी कम हो रही है सो so इसी इसीलिए ये इसी सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड लाइफ डे को हमको सेलिब्रेट करना है और सारी स्पीशीज़ को बचाना है वाइल्ड लाइफ्स को बचाना है और इसलिए इस डे इस को सेलिब्रेट किया जाता है थर्ड ऑफ मार्च के दिन ठीक है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ थर्ड ऑफ मार्च नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा येलो फीवर इज स्प्रेड बाय एयर वाटर मस्कीटो नन ऑफ द अबव येलो फीवर जो रहता है ये जो स्प्रेड होता है ऑब्वियसली थ्रू मस्कीटो आपको मैं एक बात बता दूँ जितने भी फीवर हमको होते हैं कोई भी मच्छर से तो वो डे में हमको काटने से होता है ओके और डे में सिर्फ फ़ीमेल मस्कीटो फिरती है और जो हमको फ़ीवर होता है वो सिर्फ फीमेल मस्कीटो के काटने की वजह से ही होता है और हमको जो रात में मच्छर काटते हैं वो एक नॉर्मल मच्छर होते हैं उसको हम उसके काटने से हमको कोई फीवर वगैरह कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है ओके सो so बेसिकली जो हमको मस्कीटो बाइट रहती है वो फीमेल मस्कीटो बाइट होती है जो डे में होने जो डे में होती है ओके okay. जो रात में हमको मच्छर काटते हैं उससे कोई फ़ीवर नहीं होता इतना याद रखना है ओके okay. इतनी चीज़ क्लियर एंड नाउ येलो फीवर जो है वो स्प्रेड बाय मस्कीटो ओके फर्स्ट थिंग इज येलो फीवर जो है ये अफ्रीकन जो प, एरिया है इसमें बहुत ही कॉमन है येलो फीवर में होता क्या है एक्चुअली आपने डेंगू ना आप सुना ही होगा डेंगू इज नथिंग बट द येलो फीवर ओके येलो फीवर में क्या क्या होता है डेंगू में क्या क्या होता है आप सभी जानते हो फीवर फीवर है सबसे पहले क्या होगा फीवर मैलेज हेड और इसके अंदर ना पूरा लीवर जो है अफेक्ट होता है लीवर अफेक्ट होता है आप सभी जानते कि जॉन्डिस की सारी कंडीशन होती है येलो आई ये ठीक है येलो आई येलो स्किन ये सारी चीज़ें नोशिया वॉमिटिंग इंडाइजेशन ये सारी चीज़ जो है चलती रहती चलती रहती है अगर येलो फीवर को अगर कंट्रोल नहीं किया गया लाइक इसके सिम्टम्स को जैसे आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर जो है प्लेटलेट्स काउंट भी कम होते हैं डेंगू के अंदर ठीक है इसके अंदर जो है लीवर अफेक्ट होता है लीवर अफेक्ट होता है तो सारी जो है डे टू डे लाइफ जो है पूरी अफेक्ट होती है सो so, अगर पेशेंट को अनट्रीट किया गया और उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उसको टाइम पे अगर मेडिकेशन नहीं दिया गया हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिला सो so उस कंडीशन में जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ठीक है लीवर फेलियर भी हो सकता है सो so, येलो फीवर जो है वो मस्कीटो की वजह से फैलता है उसका करेक्ट आंसर है आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन्स बॉडी पूछा है क्वेश्चन में जो है कितने बोन्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में सो so, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो है बोन्स होते हैं वो होते हैं टू ज़ीरो सिक्स ओके हमारे बॉडी में जो है टू ज़ीरो सिक्स बोन्स होते हैं सो so, ये बोन्स कैसे कैसे होते हैं तो so, हमारा जो बोन्स होता है वो स्कल से स्टार्ट होता है स्कल से स्टार्ट होने के बाद हमारा जो बॉडी में व होते हैं वटिबरेज होते हैं जिसको स्पाइन स्पाइन में आप देखोगे तो स्पाइन में भी वटिबरेज होते हैं एंड साथ ही साथ दोनों इधर साइड जो है रिब्स होती है देन आर्म्स में हमारे बोन होते हैं हमारे थाइज में बोन होते हैं हमारी पेल्विक फ्लोर में बोन होते हैं हमारे लेग्स में बोन होते हैं हमारे नी में बोन होते हैं ये सारा जो स्कल है सारे ढांचे में हमारे एक एडल्ट इंसान के ढांचे में टू जीरो सिक्स बोन्स होते हैं और ये बोन जो है एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं सो so ये बोन एक दूसरे से कार्टिलेज, कैप्सूल और टिश्यूज़ से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ठीक है और अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में एक्चुअली आप देख रहे हो जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी सो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन जो है थाई में रहती है जिसका नाम है फीमर जो दोनों पैर में हमको मिलती है राइट एंड लेफ्ट थाई अगर एग्जाम में पूछा कि कितने नंबर ऑफ बोन पेर पेर बोन भी पूछ सकता है तो आपको कहना है पेयर पेर फीमर बोन्स ओके ये हो गया एक पॉसिबिलिटी आने के क्वेश्चन का एग्जाम में और दूसरी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने के क्वेश्चन की ये ये भी है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी तो स्मॉलेस्ट बोन जो रहता है हमारे कान में हमारे पाए जाता है ठीक है कान में हमारे तीन छोटे 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 बोन्स रहती है सबसे एकदम माइन्यूट बोन्स हमारे कान के अंदर रहती है जिनके नाम है तीन बोन्स रहती है सबसे छोटी कान में जिनके नाम है रिस्पेक्टिवली मैलस इनकस टेपिस मैलिस Is. तो ये बहुत है, इस क्वेश्चन में भी और दो क्वेश्चन आने के चांसेस मैंने आपको बता दिया बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड के हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन है वॉट इज द पी एच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी ठीक है पी लेवल जो ह्यूमन बॉडी का होता क्या है एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी सो स्टूडेंट्स पी एच लेवल जो एक रेंज में होता है सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव तक लेकिन अगर एवरेज पूछा तो हमको कहना पड़ेगा एवरेज रेंज जो है सेवन पॉइंट फोर जीरो होता है सो पी एच लेवल होता क्या हमारी बॉडी में देखिए हमारे बॉडी में जो है एक एसिडिक फ्लूड रहता है एक अल्कलाइन मेंटेनेंस रहता है एक एसिड का मेंटेनेंस और एक अल्कलाइन का मेंटेनेंस ठीक है हमारी बॉडी ना एसिड चाहती है ना अल्कलाइन चाहती है हमारी बॉडी जो है नॉर्मलाइजेशन चाहती है सो इस नॉर्मल रेंज इज़ सेवन टू सेवन लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सॉरी ऑप्शन अगर ऐसा रहता है सेवन पॉइंट थ्री फाइव तो वो भी करेक्ट है सेवन पॉइंट फोर जीरो तो वो भी करेक्ट है सेवन पॉइंट फोर फाइव तो ये भी करेक्ट है ठीक है ये तीन जो रेंजेस अगर एग्जाम में आते हैं तो ये तीनों रेंजेस जो है आपके करेक्ट हैं ठीक है पीएच लेवल होता क्या है पीएच लेवल कैसे मेंटेन होता है देखिए पीएच लेवल जो है हमारे दो चीज़ों से मेंटेन होता है एक तो लंग्स और दूसरा है किडनीज ठीक है लंग्स एंड किडनीज हमारे बॉडी में जो दो पेड ऑर्गन्स है याद रखना है पेड ऑर्गन्स ये काम कर रहे हैं ठीक है थीके? हमारे बॉडी में दो लंग्स है और दो किडनी है तो दो लंग्स और दो किडनी ये काम संभाले हुए हैं ठीक है हमारे बॉडी में जो, जो है एक लेवल जो है एक एसिडिटी का लेवल होता है और एक अल्कलाइन का लेवल होता है ठीक है अगर एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है तो इंसान जो है पेशेंट जो है टॉक्सिक कंडीशन की तरफ जाता है ओके टॉक्सिक कंडीशन की तरफ जाता है और बॉडी जो है सारी चीज़ जो एसिडिक को प्ले करने की कोशिश करती है और बॉडी में जो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं एंड दैन दोज रिएक्शन लीड्स टू डेथ ऑल्सो ठीक है इसी लिए हमारी बॉडी में जो है पी एच लेवल जो है ना ही अल्कलाइन होना चाहिए ना ही एसिडिक होना चाहिए बल्कि जो एक नॉर्मलाइजेशन जो रेंज है उससे होना चाहिए ओके उस किडनी जो सारा फ़िल्ट्रेशन का काम करती है सारा एसिडिक जो फ्लूड वगैरह जो है किडनी के रेगुलेशन के बाद जो है स्क्रीट आउट हो जाता है ओके सो दीज टू ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच लेवल बॉडी में कौन मेंटेन करता है लंग्स और किडनी दोनों ऑप्शन है बिल्कुल याद रखें जो दो पेड ऑर्गन्स है वो हमारा ये काम कर रहे हैं सो so इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए सेवन पॉइंट जो कि पीएच है ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तो पूछा गया कि है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे के सारे इसमें से कौन सा ऐसा दिन है जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे करके सेलिब्रेट होता है सो इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इज़ डी फिफ्थ जून जो है बल्कि जो पाँच जून होता है वो हमारा ऐसा दिन है जहाँ पे हमको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे करके हम सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे से क्यों सेलिब्रेट करते हैं हमको ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है एक्चुअली थिंग ये है कि जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है ठीक है इन फॉर्म ऑफ जैसे कि प्लास्टिक बैग्स है और जितनी भी गंदगी हो रही है पानी की ठीक है जैसे कि नदी का पानी जाके मिल जा रहा है कोई जगह पे समंदर का पानी जो है मतलब बहुत अडल्ट्रेशन हो रही है उसमें जो इतनी इतनी गंदगी हो गई कि जो उसकी जो स्पीशीज़ है अंदर की वो तक भी मर रही है ये सारे चीज़ें जैसे कि समंदर से रिलेटेड हो गई फिर नदी का पानी नदी का पानी इज़ गोइंग ऐसी जगह पे जा रहा है जो और या फिर ऐसे ऐसी जगह से पानी आके आकर के नदी से मिल रहा है ये सारा गंदा हो रहा है पानी हालांकि नदी का पानी हम तो पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना यूज़ करते हैं सो ये सारी चीज़ें जो है मतलब किसी मतलब किसी गंदी जगह से आके मिल जाना किसी गंदी जगह का पानी आके नदी को मिलना ये सारी चीज़ें गंदगी में आती है अब फिर इन्वायरमेंट डे पे हम जगह जगह पे जो हम पौधे उगा रहे हैं प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं इससे क्या आता है एक पॉजिटिव एन्वायरमेंट क्रिएट होता है हमारे जो है अर्थ पे है ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है ठीक है एक एक जो है एक हेल्दी माहौल जो है एक फिर एक बनता है इस तरीके से और चीज़ें जो है डे बाई डे लाइफ में जो है अच्छी अच्छी होने के लिए लाइक जो है जैसे गंदगी रहती है तो उसकी वजह से मस्कीटोज हो हो सकते हैं कचरा हो सकता है देन बीमारी स्प्रेड हो सकती है पानी ठहरता है पानी ठहरता है तो अगेन उसके अंदर मच्छर आ सकते हैं अगेन बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सो so, इसी लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हुए जगह को क्लीन करना पौधे उगाना और गंदगी को हटाना गड़े बंद करना खड्डे बंद करना ये सारी चीज़ें जो है इस दिन कराई जाती है ये काम जो है कोई भी एक कैंपेन कोई भी एक ग्रोप्स कोई भी एक इंडस्ट्री जो उठाने का काम करती है सो so, इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है फिफ्थ जून को जो कि हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है है बच्चों बच्चों हाउ कोविड स्प्रेड ये देखिए बहुत ही बिकॉज अभी ही कोविड नाइन्टीन होके गुजरा है बहुत सारे क्वेश्चन कोविड नाइन्टीन से आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है सो so, क्वेश्चन में पूछा जा गया है कि कोविड नाइन्टीन कैसे फैलता है कैसे स्प्रेड होता है सो देखिए ऑप्शन है ए कर्फ एंड स्नीज़ फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन हम सभी को मालूम है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को कोविड नाइन्टीन फैलता है और हम क्या करते थे हम मास्क लगाते थे देखिए अगर हमको ना क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है ना तो हमको लॉजिक इस्तेमाल करना है कि कर्फ एंड स्नीजिंग याद है हमको होता था तभी तो हम मास्क मास्क पहना गया था पूरे दुनिया में उस वक्त ठीक है तो अभी भी हम करते हैं ये सब चीज़ें लेकिन मास्क पहन पहना जाता था जिससे क्या होता था जो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो खाँसता है या छींकता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है उससे बचने के लिए हम क्या करते थे मास्क पहनते थे तो मास्क पहनने की वजह से क्या होता था जो भी जो भी जो भी ड्रॉपलेट्स जो है उससे हमारे बॉडी में एंटर ना हो उससे हमको हार्म ना हो इसीलिए वी यूज़ टू तो वेयर अ मास्क ठीक है तो जो कफ एंड स्नीज रहता है इन्फेक्टेड पर्सन का जो उससे हमको मेन चीज़ जो है बचना है और उसका अगर हमारे बॉडी में अगर उसका एंट्रेंस हो जाता है और हमारे बॉडी में फिर कोविड होने का चांसेस पड़ जाता है एंड सेकेंड थिंग बी जो है इन्फेक्टेड सरफेसेस ठीक है याद है हम जो है हाथ में ग्लव्स भी पहन के घूम रहे थे एग्जैक्टली तो इन्फेक्टेड सर्फेसिस इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी जगह है अगर वहाँ पे धूप नहीं लग रही है कोई भी इन्फेक्टेड कोविड नाइन्टीन का पर्सन है उसने छीखा या खासा वहाँ पर उसके ड्रॉपलेट्स जो है उस कांच पर या उस जगह पर रह जाते हैं तो फिर वहाँ के जो ड्रॉपलेट्स जो है वो एक एनवायरनमेंट में सब घूमते रहते हैं ठीक है जिसके लिए आपने देखा होगा कभी कभी तो कई जगह पे धूप निकलती है वहाँ तो पे देखो ड्रॉपलेट्स हमको दिखते एकदम तो बारीक 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 बारिक तो वैसे ही चीज़ जो है हमारे आंखों से नहीं दिखता है लेकिन वो हमारे माहौल में हमारे आसपास जो है दिखता है कलरलेस होता है इसलिए रहता है लेकिन अगर हम जो है हम इसके कांटेक्ट में आ जाए इस इन्फेक्टेड सर्फिस के तो हमको भी कोविड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है सो ऑप्शन ए एंड बी अब तक का करेक्ट आंसर हमको लग रहा है नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन इज सी फूड क्या हमने देखा था कि ये खाने से फैल रहा था वो खाने से फैल रहा था देखा था कि खाना खुला रह जाए तो कुछ उस पर हो रहा था असर याद है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बात हुई थी उस वक्त की

वायरस क्यों बोल बोला गया है वायरस तो वायरस इसलिए क्योंकि ये एक लोगों से दूसरे लोगों को फैलता है ओके इसका जो है ये कॉज्ड बाय एन वायरस एक इसके अंदर जो है एक एक ये रहता है लाइक इसको जो है कैरियर रहता है ठीक है इसलिए इसको उसको हम वायरस कहते हैं ठीक है एक कैरियर रहता है थ्रू कि इस इंसान को हो गया तो सेकेंड वाले इंसान को होने के चांसेस उसके थ्रू ड्रॉपलेट्स है उसके जो जो भी ड्रॉपलेट्स उसके बाहर निकल रहे हैं उसकी ड्रॉपलेट जो है सरफेस पे रह जाए या फिर वो वो इंसान जो हेल्दी पर्सन इस ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आ जाए सो so इसलिए जो है ये इन्फेक्शन जो है एक वायरस के थ्रू फैलता है ओके तो ये जो है एकदम वायरल इन्फेक्शन है कोविड नाइन्टीन और ये वायरस के थ्रू फैलता है उसके अंदर जो है मल्टीपल ऑर्गन जो है इसके अंदर इन्फेक्ट होते हैं ठीक है ये बैक्टीरिया तो नहीं होता बैक्टीरिया इट्स लाइक के इन्फेक्शन बॉडी में ही हो ठीक है उसको कहते हैं और फेक डिजीज़ मतलब कि तो बहुत बहुत ही गलत ऑप्शन है कि इट इज़ अ फेक डिजीज़ इट जस्ट लाइक एन फ्लू हाँ लेकिन लाइक एन फ्लू होता है लेकिन ये फैलता थ्रू वायरस है क्या अगर अगर इसमें हमको तीन ही ऑप्शन होते हैं फ़्लू लेकिन फ्लू अगर होता ठीक है तो इतना सही ऑप्शन नहीं है फ्लू ओके तो so, इसका सही ऑप्शन है वायरस क्योंकि फ्लू जो रहता है फ्लू इट्स लाइक के फ्लू से हमको थोड़ा बहुत ही इन्फेक्शन होता है लेकिन वायरस में क्या होता है मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इट इज कॉज बाय एन वायरस हमारा क्वेश्चन है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज विथ स्टोरेज ऑफ डिवाइस ठीक है देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है रैम और रैम को फुल फॉर्म भी दिया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये किधर का क्या स्टोर करता है हमारे रिवाइज uh, में ओके okay. लेकिन अगर आप ध्यान दो अगर क्वेश्चन में सिर्फ रैम का फुल फॉर्म पूछा होता जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन भी एक्रोनिम पे था हमारा आज का सो so अगर रैम का भी फुल फॉर्म ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ रैम तो आपको बराबर से जाके रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको रैम का फुल फॉर्म ये बताना है सो रैम एक्चुअली होता क्या है रैम जो रहता है एक स्टोरेज है ओके okay? इसमें क्या होता है देखिए रैम क्या करता है बॉडी बॉडी नहीं रैम जो क्या करता है जो डिवाइसेस होते हैं डिवाइसेस को जो क्या करता है स्टोर करता है रैम जो काइंड ऑफ टाइप ऑफ मेमोरी होता है मेमोरी स्टोर करता है और कंप्यूटर मेमोरी जो स्टोर होती है वो प्राइमरी डिवाइस की स्टोर करता है ये कंप्यूटर की जो प्राइमरी डिवाइस है उसकी मेमोरीज को स्टोर करता है और ये क्या रहता है ग्रुप्स ऑफ चिप्स होती है ये और ठीक है और कंप्यूटर जो रहता है मदर बोर्ड पर काम करता है So prim primary is the correct option. जो क्या करता है रैम जो है प्राइमरी डिवाइस का स्टोर का कमर करने का काम करता है सो स्टूडेंट्स दैट्स इट आजकल आज आज के हमारे टेन क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए तो हमारे जो आज के टेन क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे हंड्रेड परसेंट आने के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने आज के इस लेक्चर में जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पर मैंने कवर uh, की हु है एम और हिस्टोरिकल बुक्स पर एम मैंने कवर की हूँ एक्रोनिम्स फुल फॉर्म्स पर मैंने एम कवर की हूँ कोविड नाइन्टीन पर जो एम मैंने कवर की है। मतलब ये जस्ट 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 ही ये हैपन हुआ है ये सारी चीजें और मोस्टली जो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चार पांच ऑप्शंस पे मतलब चार पांच टॉपिक्स पे सो so, आपको बहुत ही अच्छे से ये कवर करना है ये सारी चीजें सो so, इसीलिए आज का जो एक एक स्लाइड का एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था सो स्टूडेंट्स दैट्स इट आज का लेक्चर सो so, आपका आज का हमारा आज का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा So students, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel.